हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम चना दाल तड़का बनाने वाले हैं। ये तड़का बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसको हम किसी भी राइस के साथ, प्लेन राइस हो, जीरा राइस हो, उसके साथ खा सकते हैं, या तो चपाती, नान, पूड़ी या पराठा के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए सबसे पहले इसका इंग्रेडिएंट देख लेते हैं और बनाना शुरू करते हैं। चना दाल तड़का बनाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी पहले वो देख लेते हैं। ये चने का दाल है, एक बोल चने का दाल है। इसको मैंने भिंगो दिया है। ये भिंगोने के बाद एक बोल है। और ये एक बड़ा टमाटर है जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। एक बड़ा प्याज है जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। एक चम्मच धनिया पाउडर है। एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप जितना चाहें उतना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। ये एक चम्मच किचन किंग मसाला है। ये लाल मिर्च का पाउडर है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर है और 1/4 चम्मच ही गरम मसाला है। जो चीज़ें छौंकने के लिए चाहिए वो है, ये 2 तेज पत्ते मैंने लिए हैं, एक सूखी लाल मिर्च है, एक चम्मच जीरा है और 3-4 लौंग है। तो चलिए चना दाल तड़का बनाना शुरू करते हैं। तेल को गर्म होने रख दिया है। मैंने इसमें एक बड़ा चम्मच तेल लिया है। अब इसमें जीरा, लौंग, तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। जीरा पड़क गया है। अब इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भुन गया है। अब इसमें ये टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर के साथ साथ ये नमक भी ऐड कर देंगे। टमाटर के गलने तक पका लेंगे। देखिए टमाटर गल गए हैं। तो आप गरम मसाला छोड़ के बाकी सारे मसालों को, सूखे मसालों को इसमें ऐड कर देंगे। ये किचन किंग मसाला है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और ये कश्मीरी लाल। और सबको अच्छे से पका लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे कि मसाले जले लें और अच्छे से भून जाए। मसालों को भून के 2-3 मिनट हो गया है। देखिए सारे मसाले कैसे अच्छे से भून चुके हैं। बस इसमें ये चने का दाल ऐड कर देंगे। चने के दाल को भी मसालों के साथ अच्छे से भून लेना है। ये चना दाल तड़का बहुत ही अच्छा बनता है। इसको जीरा राइस के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, किसी के साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है। 5 से 7 मिनट हो गया है दाल को मसालों के साथ भूनते हुए। देखिए कितने अच्छे से दाल और मसाले एक साथ लिपट गए हैं और साइड से तेल भी छूटने लगा है। अब ये परफेक्ट टाइम है पानी डालने के लिए। तो इसमें पानी ऐड कर देते हैं। चना दाल तड़का को खिला खिला बनाना रहता है तो इसको ज़्यादा
मशीनी होने देना है, ये ऐसे खड़े खड़े रहेंगे। तो इसमें दाल के ऊपर कम से कम आधा इंच का पानी रहना चाहिए, तो वो ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी और एक दूसरे से लिपट के दिखेगी। अपने को ज़्यादा ड्राई नहीं करना है और ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं रखना है। इसमें मैंने एक और आधा ग्लास पानी डाला है और अब इसमें ये गरम मसाला ऐड कर देंगे। गरम मसाला ऐड करने के बाद एक विसल आने देना है और फिर उसको 5 मिनट के लिए सिम पे पकाना है। अभी इसमें ढक्कन लगा के एक विसल का इंतजार करते हैं, उसके बाद गैस को सिम करके 5 मिनट के लिए पका लेना है, जिससे कि दाल ज़्यादा गले नहीं। एक विसल आ गया, अब गैस को सिम कर देंगे और 5 मिनट पकने देंगे। कुकर का प्रेशर निकल गया है, अब दाल को चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी दाल बन के तैयार हुई है। देखिए ऐसी ही खिली खिली अपने को दाल चाहिए, ज़्यादा मशी नहीं करना है इसको। बहुत ही परफेक्ट दाल बन के तैयार हुई है। चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी दाल बनके तैयार हुई है। आप भी इसी तरह दाल बनाइए और इसको जीरा राइस, रोटी, पूरी, पराठा किसी के साथ भी सर्व करिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।